सोनू तो जरूरत पड़ोग ना उधर से इधर आने का सोनू फोन करना ठीक है चार बजे चार कन्ना दो बंदे भैया निर्मल निर्मल की सिर्फ दो बैठे हो बाकी सिर्फ दो बैठे हो ने बच्चा बेड़ में 10 साल के बाद इसके बच्चा हुआ 2 साल का बच्चा है सुबह बोलता मैं जाऊंगा उर्द बोलेगा हमला वो बोलता है जो पैसे ले ले आज मेरे साथ चलना पड़ेगा जबरदस्ती ले गए मेरे साथ सारा देगा सर मेरा बच्चा मतलब मार दिया ले आके मुझे 2 बजे घूर करता है कहता मेरा बच्चे का छाड़ हो गया उसको हड़ भी बना है जब उसको पता चला तो मैं कहूँ देव पानी दियो है पानी यानी की पानी नाम ये स्वेटर का करता हूं पी पानी कोड पी शावर अभी तक चाहिए
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना गए बाकी जेजे खिलाफ 302 लगाया जाए, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे FIR लगाई जाए उसके खिलाफ, और हमें इस बच्चे की हमने ये कहा कि वो डॉक्टर साहब ने बुलाइए इधर, डॉक्टर मीर ने चलेगा बुलाओ जना, ना कोई इधर लाइन आती लाइन आती शोका से तू बुलाया, अरे ये तो हम हमें शौक नहीं यहाँ से रखना, हमारी मजबूरी बन गई है, हमारा शौक नहीं है यहाँ रखने का, हम यहाँ पे नहीं नहीं शौक नहीं मजबूरी है, नहीं ये हमारी मजबूरी है, तो डिपार्टमेंट हमारे नाल सारा हेल्प करेंगे आप सब डिपार्टमेंट, ठीक है। देखो ये तो नो रीजन चली दे रहे हैं, देखो ये जो ना इंग्लिश लिखा है, इन्होंने लिखा है 1-10 लाख का तो जो भी है उस सहायता की है, ठीक है। उसके बाद जो इसका अगला बच्चा ना उसकी एंगेजमेंट वास्ते कागज शागज सारे तैयार करके भेजे, ठीक है सर, ठीक है, रिटर्न आ गए एक्सचेंज साहब साइन किया, ठीक है सर, और की जाए तो ना डेली वेजरी अगर तुम रख हो गया ना डेली वेजर कागज शागज सारे तैयार करके केस इज द एंगेजमेंट बच्चे बच्चे नेक्स्ट नहीं होना गया बीवी ने बच्चा बच्चा नहीं भाई दूसरा कर दो दो बंदे यार ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਈਕ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਿਸ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਐਸ ਬਕਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰੇਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੇਟ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ ਕਾਫੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थोड़ा थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा 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 थम्बी हटो, ऐसा
एक मिनट, सर 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 एक मिनट, सर
इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है बाइक चेक चेक जनाब अपना नंबर दे दो और इंशा डीसी साहब भी दे उससे भी तुसे कर दो चाहे एसएचओ की तरफ से और डीसी साहब लिख लो मेरा इधर लिखो और जरा लिखो नहीं नहीं इधर लिख के दे ओ मोबाइल से जरा आपके बैंक का लिंक कर लो एसएसपी साहब का भी लेना है तब तक ना काबर कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे दस लाख रुपया आप प्रोसेस करेंगे बोलूँ प्रोसेस करना ये डिपार्टमेंट दे ये डिपार्टमेंट दे डिपार्टमेंट ये तो शबीर है ना आई कर जनाब जी साहब माफ़ी चाहता हूँ इस बात में गुस्ताखी है लेकिन घर वालों की तरफ से जो मेरे भाई बच्चे वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास इतने सारे वो अफसर आए हैं ना ये सब भी इसके ऊपर सहन हो रहा है नहीं वो भी ताकि इनको जो भी खर्चा भी आएगा उसमें हॉस्पिटल में उसके लिए ठीक है बाकी इनके लिए
जनाब ये इस साइड से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं आपके साइड से सेटिस्फाई। अगर आप प्रयास करें नौजवान बच्चा चला गया उनके दिल में क्या रहेगा कि बाद में दफों के चक्कर डीसी साहब अगर कमेंट करते हैं तो दैट इज कमेंट। देखो हमारा सबका नंबर है, जब भी आप जरूरत पड़ेगी पूरा सही होगा। ये जो है ये जम्मू डिवीजन नंबर हमने करवाना। चलो जम्मू वाले हैं हमारे पास, मैं भी सांबा से, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, आप भी सांबा से हैं, जम्मू वाले नहीं है, एक्सीएम साहब तो पता क्या है, टैक रिकॉर्ड जो है ना गवर्नमेंट के, आप भी जानते हैं, सारे जानते हैं डिपार्टमेंट के, अक्सर ये डिस्बर्स तो हो जाएगा, अभी हो जाएगा, चले जाएंगे, दफना देंगे बेचारे, इसका जो गया ना जब तक जिंदा उसको पता उसके साथ क्या होगा। ये तो भक्ति तौर पर आप सब एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए हमीद मेरा नाम। मैं ये कहता हूँ कि इनको दिक्कत बाद में जो आएगी ना वो बैन लगाने वाली, अनपढ़ तबका है, ट्राइबल तबका है, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे बाद में, कोई नहीं मिलेगा इनको, हम खुद आपके पास आएंगे, सारे लोगों ने परमानेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जितने आप कहेंगे डीसी जम्मू के पास जाओ तो ये नहीं जाएंगे, देखें खज्जल होंगे आपसे लेके दफ्तर में जाए नहीं, ये कह रहा हूँ ठीक है, आई एग्री, आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे अंडर नहीं है, कल को आप ये कह रहे हैं आप डीसी जम्मू के पास ही हमारी यूरिडिक्शन नहीं है, यूरिडिक्शन जम्मू भी आ गई, आप छापा के आगे वो जम्मू में आ गए, बच्चे ना जनाब ने परमानेंट इस पोस्ट पर रोना ना इन्हें रोना, सारे पुत्र पुत्र ढूंढना तो नहीं जाइए, साड़ियां जितनी पोस्ट ना कुर्सी हमेशा उधर रहनी है, उस कुर्सी पर मैं होगा कल की कोई और होगा कुर्सी उधर ही है, एमपी साहब से बात करवाते आप करवा देंगे, मेरी बात भी फिर जाकर मैंने लिखे थे, इसे नहीं लिखा, क्या आप भी अगर पैसे वाला आगे पुलिस डिपार्टमेंट का मसला, क्या उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने, ठीक है ठीक है, अगर टाइम पर उतना उठाया होता है या फोन किया वो रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद होगी फोन की, आप मेरी बात ये जो है एक एक बार वो दोबारा एक गलती और करेगा जिसने की उसके लिए और किसी का बच्चा जाएगा उसके लिए क्या, उसके लिए जी जी के लिए जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है आप क्या कह रहे हैं, डिपार्टमेंट की बात है, इंक्वायरी की जाएगी डिपार्टमेंट की, इसकी लापरवाही हुई है पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरी गलती है, गारंटी बिल्कुल मान रहे हैं जनाब, ऐसी बात नहीं है, उसमें ये है आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, हमारे भी किसी जितने बंदे यहाँ है ना किसी की मनशा बड़ी एक मिनट के लिए भी किसी को तकलीफ हाईवे हम ही समझते हैं, पढ़ लिखे हैं हम नहीं चाहते हैं कि किसी को तकलीफ हो, बट जब उसकी तरफ ध्यान जाता है इसकी तरफ इसका बेटा अभी जाएगा तो दिमाग आता है कि श्योरिटी कोई यकीन किसी के साथ भी हो सकता है, तो हम चाहते हैं जेई का तो कम से कम उसका तो पता होना चाहिए, और अगला केस तो बच्चे आने वाले, ये तीसरा है, ये थर्ड केस है सर, अगर कहते उसको फोन किया जो आई विटनेस है तो उसको जेई को फोन किया ऐसा ऐसा हो गया है, वो कहते
बाद में वो नहीं आया वो जैसे बिजी हूँ सर हम वहाँ से 30 किलोमीटर चल के यहाँ से वहाँ से आगे फोन किया होगा उसको पूछा करो ना क्या किया पहले उठा लेते हैं यहाँ से उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए मैं ये कह रहा हूँ पुलिस की कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए देखो जो उसके मुलाजिम ही थे वो नहीं उठा सकता था एक चीज डॉक्टर साहब हमारी एक मिनट जनाब आए सांबा डिस्ट्रिक्ट एरिया जनाब लेकिन कल जनाब कहते हैं ना हम बैठे हैं साहब हम देख जम्मू वाले फिर सांबा जाएंगे एक्शन साहब के साथ भी जनाब की होगी होगी